वही बलरामपुर जिले के मनोहरपुर में आयोजित जिला प्रशासन ने जन समाधान शिविर में उस समय सभी लोगों की नजर एक 8 साल के बच्चे पर आकर ठहर गई जब स्कूल की समस्या लेकर वह खुद कलेक्टर के पास पहुंच गया। बच्चा कक्षा तीसरी में छात्र है और उसके सरकारी स्कूल के बगल में एक ईंट भट्टे की मनमानी से न सिर्फ छात्र परेशान है बल्कि शिक्षक भी परेशान है। जिस वक्त ये बच्चा कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचा उस दौरान कलेक्टर के साथ एसपी संसदीय सचिव अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। 8 साल का बच्चा सीधे कलेक्टर के पास पहुंचा और जाकर खड़ा हो गया। छात्र ने अपने स्कूल की परेशानी कलेक्टर को बताई। छात्र ने बताया कि पूरी खुर्द में संचालित प्राइमरी स्कूल के बगल में ही एक शख्स के द्वारा ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है। ईंट भट्टे के कारण स्कूल में लगातार धूल आती है और प्ले ग्राउंड पर भी इसका खासा असर पड़ता है। कलेक्टर ने सारा काम छोड़कर पहले बच्चे की बात सुनी और इसके बाद काम से वह भी प्रभावित हो गए। सबके सामने पहले बच्चों के लिए ताली बजाई गई और तत्काल इस मामले में जांच के लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए।